यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे अनिल मोर से, हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार पीड़ित परिवार वालों की भी कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया सामने आ रही होगी। एक बड़ी राहत, सिख कत्लेआम जब हुआ था उस दौरान जो कत्ल किए गए थे, उस दौरान के जो परिवार वाले हैं जो आज भी लगातार मांग करते आ रहे थे कि आखिरकार कब इंसाफ मिलेगा सिखों को, इंसाफ मिल गया और कहीं ना कहीं राहत भरी खबर उनके लिए। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा फैसला दिल्ली हाई कोर्ट का है, तो इसी के तहत सिख दंगों में सज्जन कुमार को दोषी ठहराया जा चुका, उनको सजा यहाँ पे सुनाई जा चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी हो, शिरोमणि अकाली दल हो, इनकी तरफ से लगातार कांग्रेस के ऊपर निशाने साधे जा रहे हैं। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी को जवाब देना होगा, क्योंकि अगर बात करें सज्जन कुमार की, अगर बात करें सज्जन कुमार का कांग्रेस में काफी बड़ा कद था, राजीव गांधी के काफी करीब भी हो चुके, गांधी परिवार में वो काफी करीब हो चुके। एक समय वो भी था जब सज्जन कुमार की कांग्रेस में छूटी बोलती थी, तीन बार वो सांसद रह चुके, हालांकि इनकी टिकटें भी कई बार कटी हैं, क्योंकि जब जब कांग्रेस की तरफ से इनको टिकटें दी जाती थी कहीं ना कहीं सिख समाज। 1984 दंगा बड़ी भावनात्मक मामला है और इस वक्त फैसला आया है जब कांग्रेस बड़े अच्छे दौर से गुजर रही है, तीन स्टेट में राज्य। देखिए, एक व्यक्ति मात्र पार्टी नहीं हुआ करता, हर एक पार्टी के अंदर ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जिस किस्म से गुजरात में जो दंगे हुए उनको लेकर। और इसी के साथ सुखपाल खेरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, स्वागत है सर लिविंग इंडिया न्यूज पर आपका। हाँ जी, हाँ जी, माफ कीजिएगा सर, आपसे आखिरकार प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, दंगा मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार दे दिया गया है, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मसले को, इतने लंबे वक्त के बाद आखिरकार अब इंसाफ सिखों को मिला? इस फैसले का तो हम स्वागत करते हैं कि सज्जन कुमार को लाइफ सेंटेंस हुआ, उम्र कैद हुए, लेकिन बहुत बिलेटेड है, बहुत देर के बाद बहुत थोड़ा इंसाफ मिला है, अभी तो बहुत बकाया इंसाफ है, हजारों लोग मारे गए हैं, बहुत बड़े बड़े लीडरों का नाम आता रहा है और दुख है कि कांग्रेस इन लोगों को प्रोटेक्ट करती रही, अब कमलनाथ को प्राइम चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं मध्य प्रदेश का, और जबकि इनको चाहिए था कि इस तरह के दागी आदमी को कभी भी ना बनाते, उसको उस इस तरह के आदमी को पार्टी में रखने की बात नहीं थी, क्योंकि उनका नाम भी नानावती कमीशन के साथ जुड़ा हुआ है, उनका नाम भी संजय सूरी जो इंडियन एक्सप्रेस के आई विटनेस अकाउंट दिया, उन्होंने इनको रकाबगंज गुरुद्वारा के मॉब में हजूम के साथ देखा था, और जो दूसरे सैकड़ों लोग हैं जो कांग्रेस में जो दोषी हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए, और जो नहीं भी जो हजूम में वैसे आइडेंटिफाइड है उनको भी सजा मिलनी चाहिए। दिस इज वेरी लिटिल जस्टिस एंड आफ्टर 34 ईयर्स ऑफ फाइट, और मैं जो अगर फुलका साहब की टीम ने ये काम किया तो उनको भी बधाई देते हैं। बिल्कुल खैरा साहब, कहीं ना कहीं पंजाब कांग्रेस की अगर बात की जाए, पंजाब कांग्रेस पर कितना असर पड़ने वाला है, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से तो कांग्रेस की सरकार है? जी, बहुत बुरी बात है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को खुद उठ करके कमलनाथ का विरोध करना चाहिए था, राहुल गांधी को बोलना चाहिए था कि ये लोग जिनके ऊपर थोड़ा सा भी अगर डाउट सस्पिशन है जी, तो इस तरह के आदमी को रिवॉर्ड नहीं ना कर सकते आप, उनको तो फिर आपको पार्टी में रखना ही बहुत बड़ा गुनाह है कांग्रेस के लिए अपने आप। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से भी एक्शन लिया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी इसे लेकर कोई सवाल नहीं उठाया। वो चुप क्यों बैठे हैं? वो अपना स्टैंड क्लैरिफाई करें कि वो क्या कमलनाथ जैसे लोग जिनके ऊपर इल्जाम है सिख जेनोसाइड का, कत्लेआम का, क्या उनको राहुल का इनको फर्ज बनता था उनको रोकते, उनका विरोध करते, अगर वो जेन्युइनली पंजाब के चीफ मिनिस्टर है और सिखों के आगू है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुखपाल खेरा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और साफ तौर पर उनकी ओर से भी कह दिया गया कि कहीं ना कहीं सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी आगे आना चाहिए था इस मसले को लेकर, क्योंकि कमलनाथ जिन्हें सीएम बनाया जा रहा है और अब वो शपथ भी ग्रहण कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से भी सवाल उठाया जाना चाहिए था। अगर कोई सस्पिशियस पर्सन भी है, किसी पर शंका भी है, तो भी किसी ऐसे इंसान को सीएम पद नहीं देना चाहिए था। तो पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम मजीठिया ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले मैं सच्चे पातशाह का जहां धन्यवाद करता हूं जी, वहां पे मेरा ये मानना है कि हर एक जो इंसानियत में विश्वास रखता था उसकी अरदास आज सुनी गई है। जहां मैं माननीय हाईकोर्ट का धन्यवाद दिया, उधर ही मैं जो SIT नरेंद्र मोदी जी ने जो बनाई थी, क्योंकि आज कोर्ट के ऑर्डर ने भी बड़ा स्पष्ट कह दिया
कि इनको पॉलिटिकल पेट्रनेज मिलती रही है। तो लगातार राजनेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। अभी आपने सुना पूर्व कैबिनेट मंत्री को जो साफ तौर पर कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस को इस मुद्दे को लेकर अब जरूर घेरा जाएगा। 1984 सिख दंगा मामला जो एक लंबे वक्त से चलता रहा था, अब 34 साल बाद सज्जन कुमार को दोषी करार भी दिया गया है और उम्र कैद की सजा भी सुना दी गई है। आपको बता दें 5 लाख रुपए का जुर्माना भी उन पर लगाया गया है और दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि उम्र कैद की सजा के साथ साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तो इसी मसले को लेकर तेजेंद्र भग्गा का क्या कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। उनको सजाए मौत होनी चाहिए, कम से कम इस केस के अंदर सज्जन कुमार को सजाए मौत होनी चाहिए थी, ये हमारी मांग थी। लेकिन सज्जन कुमार को जो उम्र कैद हुई है, हम उस कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, कम से कम उन्होंने ये जरूर समझा कि जस्टिस देना जरूरी समझा। लेकिन ये तभी तक केस तब तक चलेंगे जब तक सज्जन कुमार और जगदीश ठाकुर सजाए मौत नहीं होती और गांधी परिवार के लोगों को कटघरे में नहीं खड़ा करते, जेल में नहीं लेके आते, तब तक ये लड़ाई जिंदा रहेगी।